आज हम दिखाएंगे ये घटिया बोरिंग लुकिंग वॉल को हमने बना दिया इसमें वाव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम लिंक उसको ऊपर डाल देंगे, प्लीज़ जाके उसको पहले देखिए। लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँचे थे और शिपलैप लगाना हमने शुरू करा था, तो अब हम वहीं से शुरू करते हैं। शिपलैप लगाना काफ़ी इजी होता है, इसमें टंग और ग्रूव होते हैं, सो एक के अंदर एक ही फिक्स हो जाते हैं। सो आई मेड श्योर कि जो भी टंग था उसके ऊपर हम ब्रैड नेल्स लगाएं, बट हमें बीच बीच में थोड़ी कटिंग्स करनी पड़ी जैसे फायर प्लेस के अराउंड। तो कट करने के लिए पहले मैंने उसकी मेजरमेंट करी एंड एज यूजल अंकिता ने मेरी हेल्प करी। इसके लिए मैंने टूल यूज़ किया जिग्सॉ। सो जिग्सॉ से स्ट्रेट कट तो हो गया बट जिग्सॉ टर्न नहीं होता। फिर मैंने जो मेरे पास एक मल्टी टूल होता है, मल्टी टूल की हेल्प से मैंने एक छोटा सा उसमें पहले कट किया सो दैट जिग्सॉ उस गैप में घुस जाए एंड देन आई वुड बी एबल टू मेक अ स्ट्रेट कट। अब ये आराम से फिट हो गया फायरप्लेस के अराउंड। जितने भी ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे कुछ बीच में आ रहा था वहाँ पे हमें ऐसे कट्स करने पड़े, बट जो ऊपर या नीचे वाले पोर्शंस थे उसमें हमें स्ट्रेट कट करके हम टॉप पोर्शंस को या टीवी और फायरप्लेस के बीच के पोर्शंस को हम कट करके लगा सकते थे। छोटे पीसेस के लिए मैं तो बैठ गया चोंगड़ी मार के और मुझे समझ नहीं आया कि कौन से पीस किस तरह किस डायरेक्शन में लगते हैं। हमें ये देखना था कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो सीधा रहे और लेवल रहे, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में हम बाद में उसको कवर करने वाले हैं मोल्डिंग से, तो वो दिखेगा नहीं इतना। मैंने जो शिप लैप थे वो हाफ़ ही लगाए क्योंकि मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहता था कि अगर जो इलेक्ट्रिकल के कनेक्शंस करने थे उसके लिए मुझे हेल्प मिल जाए। अब क्योंकि अगर एक बार शिप लैप लग जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जो साइड में मैंने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगाए, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट था उसमें एक HDMI और एक USB का आउटलेट बनाया। मैंने आगे की सोच के ये बनाया कि अगर किसी कभी लैपटॉप या कोई और HDMI पावर डिवाइस हमें लगानी हो तो डायरेक्टली यहाँ पर प्लग इन करेंगे और वो पीछे से एक वायर टीवी में जाएगी, तो इसलिए हमें पीछे टीवी के नहीं जाना पड़ेगा एंड दैट विल बी वेरी टाइम सेविंग और अच्छा भी लगेगा, नीट लगेगा। जो उसके साइड में रिसेप्टिकल लगाया, अगर कोई लैपटॉप या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करके हमें चार्ज करनी होगी तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होगा। और जो सबसे पहला स्विच है दैट इज़ अ स्मार्ट स्विच, जो हमारे ऊपर जो दो लैम्प्स है उसको कनेक्ट करने के लिए लगाए मैंने। देन पूरी वायरिंग होने के बाद आई कंटिन्यूड पुटिंग द शिप लैप ऑन द फ्रेम। इसी तरह आगे भी दो स्विचेस का मैंने गैंग बॉक्स बनाया, वहाँ पे दो एक रिसेप्टिकल था और उसके साइड में एक RJ45 जैक, एक HDMI आउटपुट और एक USB का आउटपुट दिया सो दैट यहाँ से वायर्स डायरेक्टली टीवी में कनेक्ट हो जाए। अगली चीज़ जो हमें लगानी थी वो थी बेस बोर्ड्स। जैसा कि आपने देखा हमने इसको 45 डिग्री एंगल्स में कॉर्नर्स पे फिट करने के लिए कट किया। सेम बेस बोर्ड लाए हैं जो हमारे घर पे हर जगह लगा हुआ है। पहले हमने नो मोर नेल्स जो कि कंस्ट्रक्शन एडिसिव है उससे हमने उसको चिपकाया और फिट किया जस्ट टू सी कि सब कुछ सही तरीके से फिट हो रहा है कि नहीं। वंस दिस वॉज डन हमने उस पर ब्रैड नेलर से उसको फिक्स कर दिया।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी थी वो थी टॉप की मोल्डिंग। सारे पीसेस कट करने के बाद हमने एक एक करके टॉप की मोल्डिंग लगाना शुरू किया। ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हमें एंगल्स मीट करने थे एंड दीवार टेढ़ी थी। सो एक छोटा सा ब्रैड नेलर लेके पहले मैंने लगाए और देखा कि कितना कितना गैप आ रहा है। बीच बीच में गैप्स आ रहे थे जो हमने बाद में इसको फिल करे। बीच का पीस काफ़ी लंबा था तो अंकिता ने वहाँ से हेल्प करी मेरी एंड देन आई अटैच्ड और ये काफ़ी सुंदर लगने लग गया था। अब ऐसा लग रहा था एक कंप्लीट फ्लश हो गया और एक पीस लग रहा है। इसके बाद हम वुडन कॉर्नर पीसेस लाए थे इसको साइड में फिनिश करने के लिए ताकि जो एंडिंग में शिपलैप मीट हो रही है वो कवर हो जाए। इसको हमने सेम एडिसिव से पहले लगाया और उसके बाद ब्रैड नीलर से फिक्स कर दिया तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिश लुक आ रही थी कॉर्नर्स में और पूरा एक फ्रेम बन गया था। ये वाला जो कॉर्नर था इसको हमने छोटे पीसेस में करा और जो सेकेंड वाला कॉर्नर था वो हमने एक फुल पीस में कर पाया क्योंकि हमसे गलती हो गई थी कॉर्नर काटते हुए इसलिए हमें छोटे पीसेस को ज्वाइन करना पड़ा और हम नहीं चाहते थे कि हम एक और बड़ा पीस लेकर आए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एट द एंड इट वाज लुकिंग वेरी सीमलेस। ओके, रिमूविंग द डोल बिकॉज़ वी हैव टू फिल ऑल द होल्स एंड फॉर फिलिंग द होल्स वी विल यूज स्पैकल एंड देन वंस वी हैव डन स्पैकलिंग वी विल सैंड प्राइम एंड पेंट। अब बारी थी सैंडिंग करने की। सबसे बोरिंग और सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था बट एक फिनिश लुक देने के लिए सैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी स्पैकल थे वो के निशान थे वो हमें हटाने थे। ऑटोमेटिक सैंडर से हमने सैंड करना शुरू किया बट हमने रियलाइज़ किया कि इस पर मैंने 220 ग्रिट का सैंड पेपर लगाया बट जैसे ही मैं कर रहा था बहुत ज़्यादा डस्ट उठ रही थी इसलिए उसके बाद मैंने एक सैंडिंग स्पंज लेके हाथ से ही करना शुरू किया। हमें फायरप्लेस निकालना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि इसमें काफ़ी डस्ट हो जाएगी। सो हमने इसको निकाल के कवर कर दिया एंड पेंटिंग में भी ये इजी रहेगा। सैंडिंग कंप्लीट होने के बाद ये काफ़ी डस्टी हो गया था तो इसलिए हमने एक सूखे कपड़े से इसको वाइप करना शुरू किया। कॉकिंग, इसके लिए हमने कॉकिंग गन यूज़ किया जो रेओबे का है और जो भी कॉर्नर्स थे बेसबोर्ड्स के ऊपर गैप्स थे वो हमने कवर करे। कॉकिंग करने के बाद हमने उसे एक गीले कपड़े से वाइप किया ताकि वो अच्छे से फ्लश हो जाए। इससे क्या होता है कि आपका जो यूनिट है वो ऐसा लगता है कि वो वॉल में बिल्ट इन है और बहुत ही अच्छा लुक देता है, स्पेशली जब लास्ट में आपका पेंट वेंट सब फिनिश हो जाता है। सो इट गिव्स अ वेरी फिनिश्ड लुक। यहाँ पे हमने जितने भी एरियाज़ थे जो कवर करने थे पेंटिंग के पहले उन सब पे पेंट और स्टेप लगाया एंड वी मेड श्योर कि जो दीवारें हैं और जो फ्लोर्स है वो सब अच्छे से कवर हो जाए। हमने एक ड्रॉप शीट भी यूज़ करी थी ताकि पेंट उस पे गिरे बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉर्नर्स पे जहाँ पे पेंट ब्रश लगने वाला है वहाँ पे अच्छे से कवर कर लो क्योंकि फिर नहीं तो आपको सीलिंग या वॉल्स भी साथ में पेंट करनी पड़ जाएगी। Thank you.
फिर बारी थी प्राइमर की. हमने ये बिन का प्राइमर यूज़ किया विच इज़ अ शेलैक प्राइमर. इससे क्या होता है आपकी फिनिश बहुत अच्छी आती है और ऐसा लगता है कि लैमिनेटेड है ये सरफेस. इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ट्रे में पोर किया और ये काफ़ी पतला था तो इस पर हमें अच्छे से बहुत केयरफुली करना था. ग्रूव्स में हमने एक फोम ब्रश यूज़ करा और बाकी जगह हमने इसको रोल कर दिया. जब ये ड्राई हो गया था तो हमने इसका सेकेंड कोट भी किया था जस्ट टू मेक इट लुक गुड, क्योंकि हम सेमी ग्लॉस पेंट यूज़ कर रहे थे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बेस है वो अच्छा अच्छे से प्राइम्ड हो. ये था हमारा पेंट. हमने सेमी ग्लॉस पेंट यूज़ किया था बेयर्स का, जो कि इज़ वेरी वेल नोन फॉर कैबिनेट्स. इसकी बहुत अच्छी फिनिश आती है. पहले हमने डोर्स जो निकाले थे वो पेंट करे, साइड्स के लिए कॉर्नर्स के लिए हमने फोम ब्रश यूज़ करा और उसके बाद हमने फिनिश करा विद फोम रोलर. बिकॉज सेमी ग्लॉस पेंट था हमने फोम रोलर्स यूज़ करे और फोम ब्रशेज यूज़ करे ताकि उस पर कोई लाइन्स वगैरह ना आए, क्योंकि हमें एक लैमिनेटेड सॉर्ट ऑफ फिनिश चाहिए था. जब तक डोर सूख रहे थे हमने बाकी यूनिट पे पेंट करना शुरू किया. यहाँ पे हमें दो कोट करने पड़े. जो छोटे छोटे पीसेस थे उसमें मैंने छोटे रोलर से यूज़ किया एंड जब बड़ी जगह थी वहाँ पे मैंने बड़ा फोम रोलर यूज़ कर लिया. नेक्स्ट डे जब हम आए तो पेंट ऐसा लग रहा था एंड देन वी हैड टू टेक ऑफ द पेंटर्स टेप. सो हियर सम पेंट टेप पीलिंग फॉर यू. ये बहुत सैटिस्फाइंग होता है जो इसकी आवाज़ होती है पेंटर्स टेप निकलने की. इसके बाद हमने जो डोर्स निकाले थे पेंट करने के लिए उसको हमने वापस इंस्टॉल करे. थोड़ी सी इसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हाइट और दोनों को मैच करने के लिए. इसके बाद हमने ये हैंडल्स लगाए जो हमने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे ब्लैक कलर के. इसको बहुत इजीली पीछे से स्क्रू इन कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये. फिर हम जितने भी प्लग पॉइंट्स थे जो हमने निकाल दिए थे वो बोर्ड्स हमने वापस लगाए. इसके बाद बारी थी जो लाइट फिक्स्चर्स थे उसको बस कनेक्ट करना था. वायरिंग पहले से कर ली थी. पीछे की एक बेस प्लेट देते हैं फिक्स्चर के साथ, उसको नट्स के साथ करना था. मैंने मेक श्योर किया कि ब्रेकर पे मैं लाइट ऑफ कर दूँ सो दैट करेंट ना आए.
फाइनली हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा कंप्लीशन तक आ रहा था। सेकेंड लास्ट स्टेप था हमारा एक फायरप्लेस को वापस इंसर्ट करना। ये जब इंसर्ट हो गए साइड में स्क्रूज थे वो लगाने के बाद हमारा स्टेप था टीवी लगाने का। टीवी हमें हैंग करना था उनके हुक्स पे, नीचे स्क्रूज टाइट करने थे। वायरिंग के लिए मैंने सारे वायर्स को पीछे से कनेक्ट करा, जितने भी जैक्स थे, सो दैट साइड में, जैसे मैंने पहले बताया कि HDMI और USB अगर बाद में कभी कनेक्ट करना हो तो वो काफ़ी इजी हो जाए। यहाँ पे सारे टाई टैग से मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया। वायर्स काफ़ी सारे थे, सो मुझे देखना था कि कौन सी वायर कहाँ पे जा रही है एंड कितनी एक्स्ट्रा वायर है। सो एंड मुझे काफ़ी टाइट भी नहीं करना था, थोड़ा सा उसमें प्लाई छोड़ना था सो दैट अगर टीवी को कोई मूव करे तो इजी रहे। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट लुक लाइक। This was one of the biggest DIY projects which you have ever done, and it has turned out to be really fantastic. What do you think, Ankita? Yeah, I love this project, and it makes our living room look amazing. And we hope you liked our DIY project as well. If you did, please hit the like button. And if you want to see more interesting DIYs, please subscribe to our channel and hit the notification icon. And we will see you next time. Take care. Bye. Bye-bye.